महाराष्ट्र विधानमंडल के इस प्रबोधन कार्यक्रम के अंदर महाराष्ट्र विधानसभा की उपाध्यक्ष डॉक्टर नीलम गोरे, महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री नरहरी सीताराम बजीरोल जी, संसदीय कार्य मंत्री ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर एडवोकेट अनिल परब जी, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह जी, महाराष्ट्र विधान मंडल विधान परिषद और विधान परिषद के सेक्रेटरी जनरल, दोनों सदनों के माननीय विधायकगण, मैं आप सबका संसद के अंदर अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप जिस धरती से आते हैं वह देश और दुनिया की आध्यात्मिक धरती है, सामाजिक परिवर्तन की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है, देश के नवनिर्माण में, देश के विकास में देश को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख नेताओं की धरती है। महाराष्ट्र विधान मंडल का संपूर्ण विधान मंडलों के अंदर एक प्रमुख स्थान है, इसलिए आपका ज्यादा दायित्व हो जाता है कि आप उस विधान मंडल के माध्यम से क्षेत्र की जनता के अंदर अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करते हुए जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाओं को पूरा करते हुए संवैधानिक मापदंडों का एक कीर्तिमान हासिल कर सके, एक मार्गदर्शन का केंद्र बन सके, क्योंकि महाराष्ट्र विधानमंडल का एक अपना लंबा इतिहास रहा है, जहां से निकले राजनेताओं ने देश के अंदर नेतृत्व किया है और आप भी उसी जगह बैठकर इसी संवैधानिक दायित्वों को निभा रहे हैं। जीवन के अंदर प्रशिक्षण एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन का अंग होता है, सीखना सिखाना ये हमेशा मानवीय स्वभाव के अंदर जहाँ होता है वहाँ व्यक्ति के मन में लगन होती है, उत्कृष्टता होती है कुछ नए परिवर्तन करने की, नए सीखने की, क्योंकि ज्ञान हमेशा अधूरा रहता है। ज्ञान को जितना प्राप्त करो, अनुभव को जितना प्राप्त करो उतना कम होता है। आप जिस लोकसभा के अंदर आए हैं, ये देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था है, जिनकी आज़ादी के बाद इस 75 साल की लोकतंत्र की यात्रा में सभी नेताओं का बड़ा योगदान रहा है। ये वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष भी है, इसलिए हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि हम आज़ादी के 75 वर्ष के अंदर इस लोकतंत्र की यात्रा के माध्यम से किस तरीके से समाज में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन ला सकें, क्योंकि महाराष्ट्र आर्थिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है, जहां पर व्यापार हो, उद्योग हो, इंडस्ट्रीज हो, एग्रीकल्चर हो, नए नए इनोवेशन महाराष्ट्र में होते रहते हैं, इसलिए महाराष्ट्र का एक अपना महत्व है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमें जनता ने जिन विश्वास भरोसे के साथ
चुनकर भेजा है, हम उनके विश्वास और भरोसे पे खड़े होते हैं। किस तरीके से हम अपने संवैधानिक दायित्वों का उपयोग करते हुए, लोकतांत्रिक संस्थाओं का उपयोग करते हुए शासन को जवाबदेह बनाएं, प्रशासन को जवाबदेह बनाएं और शासन और प्रशासन के अंदर पारदर्शिता है, ये जिम्मेदारी हमारी होती है। इसलिए जहाँ विधानमंडलों का काम कानून बनाने का होता है, वहाँ लोगों की अपेक्षाएं आकांक्षाओं को पूरा करने का भी होता है। उन आकांक्षा और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें समय समय पर अपने अपने सदनों की नियम प्रक्रियाओं की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, भारत के संविधान की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए और हमें पुराने अपने विधान परिषद विधानसभा की कार्रवाइयों का भी अवलोकन करना चाहिए। मैं दोनों माननीय विधानमंडल विधान परिषद से आग्रह करूँगा कि हमें एक ऐसा प्रारूप बनाना चाहिए ताकि हम मेटा डेटा के माध्यम से किसी भी विधानसभा में या विधान परिषद में जो भी सदन की पूर्वोत्तर कार्रवाई हुई हुई है, उस कार्रवाई को एक डेटा पे डाल दें, जिससे नाम से, सब्जेक्ट से हम कभी भी कोई विधान परिषद का, विधानसभा का कोई भी सदस्य पुरानी घटनाओं को, पुरानी विधानसभा की कार्यों को उल्लेखित करना चाहे तो उसके पास संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए हमें मेटा डेटा पर डालने से मुझे लगता है कि इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि लोकतंत्र में लोकतंत्र संस्थाएं ही सशक्त और मजबूत होती हैं। हमारे संविधान के अंदर जब बाबा साहब अंबेडकर और मनीषियों ने संविधान बनाया था, उसमें जनता, जनता के लिए जनता के द्वारा, जनता को मध्य में हमारे संविधान बना था। इसलिए आज देश के अंदर 300 से ज़्यादा विधानसभाओं के चुनाव, 17 लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से सहज रूप से सत्ता का हस्तांतरण होता है, वो उसकी सबसे बड़ी ताकत हमारी संविधान की है। और इसीलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इस विधानमंडल को और सशक्त मजबूत बनाएं। ये विधानमंडल सशक्त मजबूत जब होंगे, जब प्रतिनिधि वहाँ के सशक्त होंगे, मजबूत होंगे, क्योंकि प्रतिनिधि संस्थाओं को अगर सशक्त करना है, मजबूत करना है, तो हमारे आचरण, हमारे व्यवहार, हमारे कार्य से वो विधानमंडल की गरिमा पड़ेगी। क्योंकि वर्तमान समय के अंदर जिस तरीके से विधानमंडलों के अंदर लगातार बैठकों की संख्या कम होती जा रही है, डिबेट, चर्चा, संवाद कम होते जा रहे हैं, विधायकों के अंदर, विधानमंडलों के अंदर गतिरोध करने की प्रक्रियाएं ज़्यादा हो रही है, ये हमारे संसदीय लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए, सभी दलों के नेताओं से बात कर कर, सभी लोगों से बात कर कर, कि हम सदन में कम से कम गतिरोध हो, ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, क्योंकि अगर इन सदनों के अंदर मर्यादा कम हो जाएगी, शालीनता कम हो जाएगी, तो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। इसलिए हमारी कोशिश होना चाहिए कि गतिरोध कम होते हुए अपनी बात को हम नियम प्रक्रियाओं से उठाएं। हमें विधानसभा की या विधानमंडल, विधान परिषद की संपूर्ण नियम प्रक्रियाओं को हमें पढ़ना चाहिए, वहाँ की परपाटियों को, वहाँ की परंपराओं को, पुराने वहाँ के अनुभवों को हमें पता होना चाहिए और किस तरीके से हम नियम प्रक्रियाओं के तहत ही अपनी बात को विधानमंडलों के प्लेटफार्म पर
सारगर्भित तरीके से तर्कों के माध्यम से अगर हम रखेंगे तो मुझे लगता है कि हम कार्यपालिका पर और जवाबदेही से काम करने का नियंत्रण कर पाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र जब भी सशक्त होगा जब हमारी नीतियों और कार्यक्रम को एग्जीक्यूट करने वाला कार्यपालिका ठीक से एग्जीक्यूट करे, और उसके लिए ये विधानमंडल सशक्त और मजबूत होने चाहिए। मुझे आशा है इस दिशा के अंदर आपने सब ने, क्योंकि अभी 2-2.5 साल हो गए विधानसभा चुनाव को, आपने सब ने नियम प्रक्रियाओं को पूरा पूरा समझ लिया होगा, और मुझे आशा है कि आप तथ्यों तर्कों संवादों से इन विधानमंडलों में चर्चा करेंगे। मैंने देखा कि चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, एक सर्वश्रेष्ठ विधायक सांसद वो होता है जो पूरे अध्ययन अध्यापन के साथ, नियम प्रक्रियाओं के साथ, संविधान की जानकारी के साथ अगर कोई चीज सदन में बोलता है तो सारे लोग उसकी सदन में बात को सुनते हैं। सरकार का पक्ष हो चाहे कार्यपालिका का पक्ष हो, वह भी उनके तर्कों को मानने को मजबूर होते हैं। इसलिए हमारी कोशिश दो बिंदुओं पर होना चाहिए। एक, जिन्होंने हमको चुनकर भेजा उनकी अपेक्षाएं आकांक्षाओं को हम विधानमंडल के माध्यम से कैसे पूरी कर सकते हैं। दूसरा, कानून बनाते समय हमारी व्यापक चर्चा संवाद होना चाहिए। कानून प्रदेश के लोकहित में कानून बनते हैं, कल्याणकारी कानून होते हैं। कानून बनाते समय अगर हमने व्यापक रूप से चर्चा की, संवाद किया, तर्कों से अपनी बात की, क्योंकि कानून एग्जीक्यूट होने के बाद उसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव जनता पर पड़ते हैं, और कोई भी विधानमंडल कानून इसलिए बनाता है कि उस कानून के माध्यम से वह समाज का कल्याण कर सके, समाज की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सके और उनको कानूनी अधिकार दे सके। इसलिए कानून बनाते समय भी हमें व्यापक चर्चा संवाद करना चाहिए, पुराने कानूनों को जो अभी तक बने हैं उन कानूनों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा कि कानून बनाते समय पुराने कानूनों में संशोधन होता है, और कई बार कानून तो बन जाते हैं लेकिन उनके रूल्स नहीं बनते सालों तक। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि कौन से कानून कब बने, उनके कौन से रूल्स बने, उसके क्या इम्पैक्ट प्रभाव पड़े, पुराने कानून के क्या क्या इम्पैक्ट प्रभाव पड़े, ये भी अगर हम जानकारी के साथ बोलेंगे तो मुझे लगता है कि कानून ठीक से बना पाएंगे। इसी के साथ साथ समय समय पर विधानमंडलों को, विधायकों की कार्य क्षमता को संवर्धन करने के लिए अब नए तरीकों का उपयोग करना चाहिए। हम आईटी का अधिकतम उपयोग करें, इसीलिए भारत की संसद ने प्रयास किया है कि देश के जितनी भी विधानमंडल हैं हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनको लाएं, हम एक लेजिस्लेटिव एक प्लेटफॉर्म बनाएं, ताकि आप देश भर की राज्य की विधानमंडलों विधानसभाओं की कार्यवाही को देख सको, आप वहाँ के डिबेट को देख सको, बजट को देख सको, लोकसभा राज्यसभा की डिबेट और बजट को देख सकते हो। कई बार कानून ऐसे बनते हैं जो राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं, उस लिस्ट में कानून बनाते समय केंद्र में कानून बनाने की मंशा क्या थी, वह किस तरीके से राज्य में एग्जीक्यूट हो रहे नहीं हो रहे, वह भी अपन को देखने की आवश्यकता है। कानून बनाने में दो सूचियाँ होती है, एक राज्य की एक केंद्र की, दोनों बना सकते हैं, राज्य भी बना सकता है केंद्र भी बना सकता है। इसलिए जब संविधान हम पढ़ेंगे तो कौन सी राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार है, कौन सा केंद्र बनाने की सूची का अधिकार है, कौन सा दोनों राज्य और केंद्र बना सकता है, इनका संविधान में जितना हमारा पार्ट एंड पार्सल है, जो संविधान में हमारे लायक हिस्सा है, वो हमें जरूर पढ़ना चाहिए। उस पर अगर अपन डिबेट करेंगे तो ठीक से चर्चा कर पाएंगे, और हम अधिकतम आईटी का उपयोग करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ, सभी हम मिलकर कोशिश कर रहे हैं,
हम जब पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन होता है तब भी हमने व्यापक रूप से कार्य योजना बनाई है, एक तो गतिरोध कम करने के लिए, शालीनता मर्यादा बनाए रखने के लिए, तीसरा संचार प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करने के लिए। संचार प्रौद्योगिकी का जितना उपयोग करेंगे हम त्वरित सूचनाओं को प्राप्त कर त्वरित विषय और मसलों को सदन में उठा सकेंगे। जितनी हमारे पास क्षेत्र की राज्य की सूचनाएं उपलब्ध होगी उतना ही सदन में हम तर्क सहित बात को रख सकते हैं। इसलिए मुझे आशा है कि इस दिशा के अंदर भी आप काम करेंगे। आज आप संसद के अंदर आए, संसद की लाइब्रेरी को देखेंगे, आप संसद का म्यूजियम देखेंगे, संसद की कार्रवाई को हमने दिखाने की कार्य योजना बनाई है, संसद की कार्य योजनाएं बनाएंगे, किस तरीके से यहाँ पर संसद के अंदर लाइब्रेरी के अंदर हमने डिजिटलाइजेशन करने का काम किया है कि पुरानी जितनी भी हमारी डिबेट्स हैं उन डिबेटों को हम एक प्लेटफार्म पर ला रहे हैं ताकि वह सब आने वाले समय में विधानमंडलों को उपलब्ध हो सकती है। कभी भी किसी विषय पर संसद में क्या बोला और विधानसभा में क्या उसका संदर्भ लेना है, वो संदर्भ लेने में भी आपको बहुत सुविधा होगी ताकि आप बहुत तर्कों से अपनी बात को रख पाएंगे। क्योंकि विधायक बहुत जिम्मेदार होता है और सबसे ज़्यादा जैसा अनिल जी ने कहा और लोगों ने कहा कि डिमांड जनता डिमांड ज़्यादा होगी। कोई समय था जब विधायक सांसद कभी कभी मिलते थे लेकिन अब हर चीज़ के अंदर जनप्रतिनिधि की डिमांड ज़्यादा होगी। तो हमें अपने क्षेत्र के उन बुनियादी सुविधाओं बुनियादी बातों पर भी संपर्क में रहना पड़ता है और हमें विधानमंडल में भी तर्कसंगत बात रखने के लिए अध्ययन अध्यापन करना होता है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा आईटी का उपयोग करना पड़ेगा। ये बात सही है कि हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है, हमें ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होना पड़ रहा है क्योंकि समय परिवर्तनशील है लोकतंत्र में। इसलिए हर व्यक्ति जवाब मांगता है। आप में से जो पुराने अनुभवी लोग होंगे उसमें देखा होगा कि कई लोग विधानसभा के क्षेत्रों में नहीं जाते थे तो भी पांच पांच सात सात बार विधानसभा में जीतते आ रहे थे। अब समय परिवर्तन हो गया है, आपको लगातार जनता से संपर्क में भी रहना पड़ेगा, जनता के हर बुनियादी समस्याओं अभावों की चिंता भी करनी पड़ेगी, सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं भी बनानी पड़ेगी, किस तरीके से अपने इलाके के अंदर नया इनोवेशन कर वहाँ की जनता के आप सामाजिक आर्थिक परिवर्तन कर सकते हैं इस दिशा के अंदर भी काम करना पड़ेगा। और देश के आने वाली पीढ़ी नौजवानों को हम किस तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाओं से जोड़ें ताकि लोकतंत्र पर और विश्वास भरोसा लोगों का बढ़े, इसके लिए भी हमें समय समय पर स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालयों के अंदर काम करने की आवश्यकता है ताकि हम आने वाली पीढ़ी को इस लोकतांत्रिक संस्थाओं और लोकतंत्र से जोड़ सकें। क्योंकि विश्व के अंदर लोकतंत्र के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दुनिया के सारे देश, आज आप दुनिया के चाहे विकसित हो चाहे विकासशील देश हो, सारे देश एकमात्र तरीका सरकार चलाने का है लोकतंत्र, ये मानते हैं। इसलिए इससे सर्वश्रेष्ठ तरीका कोई नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा पढ़ा होगा कि आजकल प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन सा देश ज़्यादा लोकतांत्रिक है। इसलिए लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था विश्वास बढ़ा है। हम 1952 से लेकर अभी तक अगर चुनाव प्रक्रियाओं के अंदर देखें तो मतदान का प्रतिशत लगातार बढ़ा है, इससे लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था विश्वास बढ़ा है। लेकिन इसके साथ साथ अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की विशिष्टता और प्रामाणिकता जनता के अंदर बने। यही हमारे लिए आज सबसे बड़ी चुनौती है कि प्रदेश और देश की जनता को लगना चाहिए कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से ही सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हो सकता है। इसलिए लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विशिष्टता प्रमाणित बनाने के लिए हमारा व्यवहार आचरण ये सबसे महत्वपूर्ण है।
क्योंकि जनप्रतिनिधि संस्थाओं के अंदर जनप्रतिनिधि का जैसा आचरण होगा, व्यवहार होगा, कार्य होगा, सब लोग डायरेक्ट लाइव होता है, उसको देखते हैं। और इसलिए मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ कि मुझे लगता है कि हम बहुत जिम्मेदारी के साथ ये दायित्व को निभाएंगे, क्योंकि हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं, हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। जनता ने हमें चुनकर भेजा है, हम उनकी अपेक्षाएं आकांक्षाओं को भी पूरी करेंगे। एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के नाते लोकतांत्रिक संस्थाओं की विशिष्टता प्रमाणिकता बढ़े, इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। आप सभी का पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। जय महाराष्ट्र।